ऑल राइट दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बेहतरीन खूबसूरत ब्रिक वर्क में बना हुआ एक घर का वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूँ। वीडियो को आप पूरा देखिएगा एंड उसके साथ आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये जो है 2 BHK विथ स्टाउट के साथ, मतलब टोटल आप 3 बेडरूम में बोल सकते हैं इसे। इस तरह के खूबसूरत घर का निर्माण हुआ है एंड अगर आप नए हैं चैनल पर एड सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल को कंस्ट्रक्शन का वीडियोज आपको मिलेगा हर रोज। ये जो है घर का सामने का व्यू, G+2। तो इस घर के खास बात ये है, ग्राउंड में भी क्या है, बेसमेंट का काम भी ब्रिकवर्क से बनाया गया, कंप्लीट थरो प्लेन बीम दिया गया। फिर उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर का वर्क है वो भी ब्रिक वर्क से बनाया। नहीं तो नॉर्मली क्या करते हैं, लाल पत्थर से बांधते हैं, बट यहाँ पे क्या है, पूरा वही कंप्लीट वर्क। एक कार पार्किंग, इधर एक सिट डाउन के लिए जगह, प्राइवेसी को अगर कोई गेस्ट आ गए तो, एंड यहाँ पे 3.5 फुट का स्टेप्स लिएगा ऊपर की तरफ। एंड ये बोरवेल, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ बोरवेल, साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ सेप्टिक टैंक। ये आपका मेन डोर इधर से आ जाएगा, काफ़ी विड्थ और बड़ा लिया गया है। हॉल क्रेडिट गोज़ टू द हाउस ओनर्स, इंजीनियर एंड ऑल द वर्कर ऑफ दिस हाउस। ये देखो आपका हॉल, बहुत ही छोटी जगह में इतना स्पेसियस और कंफर्टेबल तरीके से बनेगा। यहाँ पर देखो एंटर होते हैं अगर कोई गेस्ट आ गए, इधर क्या है शेल्व्स बनाया जाएगा सो दैट आप फुटवेयर भी रख सकते हैं और उसको क्लोज करके कुछ ग्लास, आपका अचीवमेंट, आपके लाइफ में कुछ तो अचीव करें वो चीज़ भी रख सकते हैं इस वाले एरिया पे। इधर से जो है ना मेन एंट्रेंस, इधर देखो व्यूअर्स, यहाँ से आप एंटर करते हैं बेडरूम में, मास्टर बेडरूम विद अटैच टॉयलेट एंड बाथ। और इधर भी शेल्व्स, कुछ सामान रखने के लिए क्या है शेल्व्स बनाएगा ये वाला पोर्शन पे। इधर बीम, पूरा अंदर का घर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है सिंगल ब्रिक वर्क में ही हो चुका है कंप्लीट, बाद में एल्युमिनियम का वर्क शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर स्टोरेज के लिए लिंटल या फिर इनर लोफ्ट आप कह सकते हैं इसे, और इलेक्ट्रिकल स्विच वर्क। यहाँ से हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये भाई आपका मास्टर बेडरूम है, पूरा नल का फैसिलिटी किया गया, ऊपर क्या है स्टोरेज के लिए जगह बनाई दी गई है। और एक चीज, ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक सिट आउट बनाया गया, एक इधर से एंटर करते हैं, यहाँ पे कॉमन बेडरूम या फिर डाइनिंग रूम आप कह सकते हो उसे। जिसका साइज 9x12 फुट में रखा गया। यहाँ पर भी स्टोरेज के लिए जगह, फिर उसके बाद इधर से क्या है एंट्रेंस किचन की तरफ, एक एग्जिट डोर एक्स्ट्रा विथ टॉयलेट रूम या फिर आप यूटिलिटी मान सकते हो उसे। इधर जो है किचन प्लेटफॉर्म, ये देखो इधर अटैच टॉयलेट रूम, और एक
भाई इस तरह से खूबसूरत ब्रिकवर्क में बनाया हुआ घर का नक्शा जो आपको मैं दिखाया हूँ, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अब तक।